नमस्कार, आज ब्लॉकचेन बकर का 51st एपिसोड है। आज के वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं आपके साथ बेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी शेयर करूं। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैंने ऑलरेडी एक्सेल डिफाइन कर रखा है और तीन स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो कि टिपिकली लोग यूज़ करते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है और किससे आपको सबसे बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं स्क्रीन अपना शेयर कर देता हूँ एंड फिर डीप डाइव करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एक ये है यूनिस्वैप का वेब पेज जिसमें आपको दिख रहा है कि यूएसडीसी ईथ का जो पूल है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का जो पूल है, उसमें टोटल वैल्यू लॉक जो है वो 267 मिलियन है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग जो है 24 घंटे का, 24 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वो 24 घंटे का वॉल्यूम है 661 मिलियन और 24 घंटे की जो फीस है वो है 334.5K। तो इसका क्या मतलब होता है, राइट? ये समझते हैं सबसे पहले। 333.45K जो है, के मतलब 333,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर दिन 267.8 मिलियन डॉलर्स जिन लोगों ने लगाया उन पे। इसका क्या मतलब है, राइट? इसको अज्यूम करते हैं कि अगर ये 365 डेज तक चलेगा इनटू 1000, के लिखा है इसलिए इनटू 1000 कर लिया, इनटू 365, जिसका मतलब है कि ये लगभग 121.6 मिलियन डॉलर्स फीस में जनरेट करेगा ये पूल, यूएसडीसी ईथर का पूल। 121.669 मतलब 122 मान लो, तो 122 मिलियन ये जनरेट करेगा और टोटल वैल्यू कितना है, 122 डिवाइडेड बाय 122 मिलियन जनरेट कर रहा है और टोटल वैल्यू कितना है, कितने लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, 267 मिलियन। तो 267 मिलियन, तो इसको जब आप डिवाइड करते हो अब और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा। क्या परसेंटेज आ रहा है भाई अपना, क्या हो गया, ओह राइट, तो अपना परसेंटेज आ रहा है 45.69%। बेसिकली इस लिक्विडिटी पूल में अगर आप पैसा लगाओगे तो टोटल वैल्यू लॉक में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनोगे तो आपको 45% का APR मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैं एक पॉज लेता हूँ। तीन टाइप से लोग इन्वेस्टिंग करते हैं जनरली। एक होते हैं जो कि किसी एसेट में टोटल पैसा रख रखे हैं, जैसे मैंने पहला स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखा है। पहले उसके भी पहले ये बता देते हैं कि इथेरियम की प्राइस आज लगभग 1650 है, मैंने 1600 अज्यूम की है। इथेरियम की प्राइस लेट से 3 साल बाद 800 हो जाती है तब क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेट से आपका $1000 का था, टाइम फ्रेम मैंने 3 साल का अज्यूम कर रखा है। तो स्ट्रैटेजी वन में क्या होगा, स्ट्रैटेजी वन में लेट से कुछ डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में मैंने अज्यूम किया है कि पूरा का पूरा पैसा आपने इथेरियम में डाल दिया, राइट? पूरा का पूरा अगर आज इथेरियम में खरीदते हो तो आपको 0.625 इथेरियम मिलेगा। यूएसडीसी आपने कुछ नहीं खरीदा है। अब 3 साल के बाद जब इथेरियम हाफ हो जाएगा, इथेरियम की प्राइस $800 है, तब आपके साथ क्या होगा, तब आपका पोर्टफोलियो वैल्यू $500 हो जाएगा। इसका मतलब है आपने $500 का नुकसान किया है और 20% से पैसे लूज किए जबकि इन्फ्लेशन 10% का चल रहा है, ठीक है? स्ट्रैटेजी टू देखते हैं। स्ट्रैटेजी टू में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 50% आपने स्टेबल कॉइन में रख लिया, यूएसडीसी में रख लिया या INR में रख लिया, और 50% आपने ईथर में डाल दिया। तो आज के टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो 0.3125 इथेरियम होता और 500 USDC होते। अब अगर ईथर की प्राइस आधी हो जाए तब आपके पास क्या इंपैक्ट आएगा, इधर की प्राइस आधी हो या चाहे कुछ भी हो, आपके पास जो एसेट थे वो वैसे ही रहेंगे, 0.3125 ईथर और यूएसडीसी उतना ही, बस इधर की प्राइस कम हो गई। इसका मतलब है आपको $250 का नुकसान हुआ क्योंकि आपने $500 का ही ईथर खरीदा था, राइट? तो आपकी टोटल पोर्टफोलियो 750 हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब आप 10% से पैसा लूज कर रहे हो। अब आते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी पे, जिसमें मैंने अज्यूम किया है कि ईथर की प्राइस 50% डिक्रीज की और आपने यूनिस्वैप पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किए। इसका क्या डिफरेंस आता है, इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि आपको फीस के तरीके से एक एडिशनल पैसिव इनकम मिलते रहेगा थ्रू आउट द टाइम। तो 3 साल तक का टाइम फ्रेम अज्यूम किया मैंने, राइट? तो आप आज अगर खरीदोगे तो 0.3125 इथेरियम होगा आपके पास,
$500 होगा और ये टोटल $1,000 का होता है। अब यही चीज बिकॉज इथेरियम की प्राइस नीचे जा रही है यूएसडीसी के कंपैरिजन में, तो ईथर आपका जो लिक्विडिटी पूल है उसमें ईथर की वैल्यू बढ़ते जाएगी। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप यहाँ पे इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर में आके ये सब चीजें डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 800 डालूं तो आपको ये दिखेगा कि स्टार्ट में आपके पास 0.31 टोकन होते और एंड पे आपके पास 0.44 टोकन होते ईथर के, टोकन भी यहाँ पे ईथर होगा। तो 0.44 ईथर हो गए, 353 यूएसडीसी हो गए जब आपने 3 साल के बाद निकाला, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इन दोनों को मिला के हो गई लगभग 700। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको फीस भी मिलते रहेगा। फीस कितना हमने देखा था, अभी हमने देखा था 45% के जैसा फीस लगता है। तो 45% की फीस के हिसाब से मैंने $700 पे ही कैलकुलेट किया है। आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखोगे तो 3 साल इंटू 30% लिया मैंने, 0.44 भी नहीं लिया अभी। 30% के जगह पे अगर मैं 0.44 लूंगा और सम जो आपका पोर्टफोलियो था, अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपाउंड नहीं कर रहे, आप कंपाउंड करोगे तो अलग ही रिटर्न आएंगे। तब क्या रिटर्न आएगा, तब आपके पास $931 आपके सिर्फ फीस से बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो ईथर के 50% डाउन होने के बाद $1,636 होगा, $1,000 का पोर्टफोलियो, जिसका मतलब आप 17% पर ईयर के हिसाब से पैसे बना रहे हो। अगर आप कंपाउंड करोगे, वापस उसको इन्वेस्ट करोगे, तो ये पोर्टफोलियो बढ़ते जाएगा। और हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, चैलेंज यहाँ पे है कि हमने ईथर की प्राइस मानिए कि कम हो गई 50%, राइट? तो इस केस में तो दिख रहा है कि काफी क्लियरली स्ट्रेटजी 3 काफी बेस्ट प्ले कर रही है, ठीक है? तो अब दूसरा एंगल भी देख लेते हैं कि ईथर की प्राइस ही बढ़ गई तब क्या होगा। तब स्ट्रेटजी 1 के हिसाब से जिसने पूरा का पूरा ईथर में लगा रखा था, उसके पैसे डबल हो जाते हैं क्योंकि सारा का सारा उसके पास ईथर में था, तो ईथर के प्राइस डबल हो गई तो उसके पोर्टफोलियो भी डबल हो गया। सेकंड स्ट्रेटजी में आधा पैसा उसने यूएसडीसी में रखा था और आधा ईथर में रखा था, लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं किया तो कोई फीस नहीं है, सारे के सारे टोकन्स वैसे के वैसे रहेंगे, तो $500 का इसको फायदा होगा और 15% का CAGR है जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है। अगर यही आपने फिर से लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती तो आप स्टार्ट करते 0.31 ईथर के साथ, 500 यूएसडीसी के साथ, एंड करते 0.22 ईथर के साथ और 1414 यूएसडी के साथ, जिसका मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो में विदाउट फीस 1408 डॉलर होते और $1,267 आप कमाते फीस के थ्रू, 1267। इसका मतलब है आपका पोर्टफोलियो $2,675 का होता, जिसका मतलब है यहाँ पे 38% का आपको CAGR मिल रहा है। अब यहाँ पे भी मैंने 30% का APR अज्यूम किया है, 44 मान लो तो आप ये लगभग 47% के ग्रोथ रेट के साथ $3,266 पे आपका पोर्टफोलियो होता। यही सब चीजें जो मैंने बताया यहाँ पे, ये 0.22 कैसा है, 0.22 ईथर कैसे हो गया, ये सब चीजें अगर आपको समझनी है तो आप इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर पे जाके यहाँ पे 3200 डालोगे, जैसे हमने अज्यूम किया ना कि प्राइस डबल हो गई, तो 3200 डालोगे तो आपको दिख जाएगा स्टार्ट किया था आपने 0.31 ईथर से, टोकन बी से, और एंड किया 0.22 ईथर से। अब ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली लिक्विडिटी जब आप प्रोवाइड करते हो तो दो काम होता है, जब प्राइस ऊपर जाती है तो आपके लिक्विडिटी, जब किसी टोकन की प्राइस ऊपर जाती है, टोकन ए टोकन बी में टोकन बी की प्राइस ऊपर गई तो आपके लिक्विडिटी पूल का जो बास्केट होता है उसमें से टोकन बी धीरे धीरे निकलते जाता है, जिसका इफेक्टिवली मतलब होगा कि आप जब प्रॉफिट में जा रहे हो तो आप टोकन बी को बेचते जा रहे हो और जब आप लॉस में जा रहे हो तो टोकन बी को खरीदते जा रहे हो, जो कि इफेक्टिवली स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक अच्छे इन्वेस्टर की। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करना बेयर मार्केट में आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। यही चीज मैं भी कर रहा हूँ। और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो एक और एस्पेक्ट समझ लेते हैं, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्यों अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप छोटे प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो उसमें दो तरीके के APRs मिलते हैं। एक होता है कि उनका ही टोकन मिलेगा आपको, जैसे अगर सुशी स्वाप पे जाओगे तो सुशी स्वाप का जो टोकन है वही रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा, और दूसरा है जो आपको फी का रेवेन्यू मिलेगा। अब ये जो छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपना टोकन क्यों देते हैं, क्योंकि उनके उनके जो APR होते हैं
जो उनकी फीस जनरेट होती है वो उतनी हाई नहीं होती. उनकी फीस जनरेट इतनी हाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है, जैसे यूनिस्वाप है अपने केस में, यूनिस्वाप ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम ले जाता है. तो कभी भी आपको कंपेयर करना है, बिकॉज यूनिस्वाप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू इन द वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है फीस भी सबसे ज्यादा जनरेट करे, सबसे ज्यादा वो फीस जनरेट करे, इसका मतलब है सबसे ज्यादा एपीआर भी वही देगा. इसीलिए टॉप प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहिए. अब उन एसेट्स में प्रोवाइड करना चाहिए जो आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड करोगे. ऐसे छोटे छोटे कोई भी नई कॉइन लॉन्च हुई और आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसमें आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, राइट? अगर आपने सोच समझ के रखा है कि मेरे को बिटकॉइन 3 साल तक रखना है, 10 साल तक रखना है, मेरे को इथेरियम 10 साल तक रखना है, 5 साल तक रखना है, उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे. तो यही था ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो का. होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा. पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. एक और एस्पेक्ट समझ लेते हैं. लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जब आप छोटे प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो उसमें दो तरीके के APRs मिलते हैं. एक होता है कि उनका ही टोकन मिलेगा आपको. जैसे अगर सुशी स्वाप पे जाओगे तो सुशी स्वाप का जो टोकन है वही रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा, और दूसरा है जो आपको फी का रेवेन्यू मिलेगा. अब ये जो छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपना टोकन क्यों देते हैं? क्योंकि उनके जो APR होते हैं, जो उनकी फीस जनरेट होती है, वो उतनी हाई नहीं होती. उनकी फीस जनरेट इतनी हाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है, जैसे यूनिस्वाप है अपने केस में, यूनिस्वाप ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम ले जाता है. तो कभी भी आपको कंपेयर करना है, बिकॉज यूनिस्वाप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू इन द वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है फीस भी सबसे ज्यादा जनरेट करे, सबसे ज्यादा वो फीस जनरेट करे, इसका मतलब है सबसे ज्यादा APR भी वही देगा. इसीलिए टॉप प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहिए. अब उन एसेट्स में प्रोवाइड करना चाहिए जो आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड करोगे. ऐसे छोटे छोटे कोई भी नई कॉइन लॉन्च हुई और आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसमें आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, राइट? अगर आपने सोच समझ के रखा है कि मेरे को बिटकॉइन 3 साल तक रखना है, 10 साल तक रखना है, मेरे को इथेरियम 10 साल तक रखना है, 5 साल तक रखना है, उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे. तो यही था ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो का. होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा. पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.